हेलो दोस्तों, मेरा नाम मास्टर टेक प्रोडक्ट की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी टाइम हो गया था किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की वीडियो बनाए हुए, तो मैं आज आप लोगों के लिए 6 ऐसी कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो मैंने प्ले स्टोर पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ढूंढी है, और ये वाली सारी ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाली है। तो इस वीडियो को देखना ना भूले, और अभी तक आप मेरे चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं हर हफ्ते ऐसे अमेजिंग अमेजिंग गैजेट ऐप वगैरह के रिव्यूज लेके आते रहता हूँ। अब बिना किसी तरीके बढ़ते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन की तरफ। पहली एप्लीकेशन मैं लिस्ट में एम्यूलेट पिक्स, ये एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है। उसमें आप लोगों को हाई क्वालिटी के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे सुपर हीरोज़ के, गेमिंग के, एनिमी कार्स वगैरह, मतलब मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर्स, बिल्डिंग्स वगैरह। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के हिसाब से आप लोग वॉलपेपर चूज कर सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर, रियली में बहुत ही कमाल के हैं। इसमें आप लोगों को ऐड देखने को मिल जाएगी, बट जो ऐड है वो 5 या 6 सेकंड की होती है, तो वो स्किप करने के बाद आप लोग रियली में इसका ऑलमोस्ट हर वॉलपेपर ही एक्सेस कर पाएंगे। प्रोवर्जन भी आप लोग खरीद सकते हैं, 95 रुपीज़ है 3 महीने के लिए, तो वो भी मुझे ठीक ठाक लगा। प्लस इसमें एक और कमाल की चीज़ है, जब आप लोग ये वाले वॉलपेपर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की रियल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ बैटरी सेव होने वाली है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन एक ही कलर पर फोकस देगी, वो होगा ब्लैक। तो ब्लैक से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव होती है जब आप डार्क मोड वगैरह ऑन करते हैं, तो एक बार इस ऐप को ज़रूर ट्राई देना। अगली ऐप है एनवेलप, ये एक ऑनलाइन फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन। जैसे हम लोग जी ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इसमें एक क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे आपका डेटा जाके सेव होगा, और उसके बाद आप लोग सिंपल एक वन क्लिक में लिंक शेयर करके किसी के साथ भी वो वाला लिंक शेयर करके और डेटा शेयर कर सकते हैं। इस वाली ऐप की एक सबसे खास बात यह है कि कंपनीज़ में इसमें कुछ भी स्टोरेज लिमिट नहीं दी, मतलब जैसे जी ड्राइव के अंदर हमें 15 GB की स्टोरेज मिलती है, उसके बाद हमें परचेज करना पड़ता है। इसमें आप लोगों के पास सब कुछ फ्री है, सिंपल आप लोगों को अपलोड करना है और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाद में आप डिलीट करना चाहें या नहीं भी करना चाहें, इसको रखना चाहें रख सकते हैं। इसका जो लॉगिन और पासवर्ड वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट के साथ ही कनेक्ट होता है, एंड वन क्लिक में ये ऐप शेयर कर देगी, बिल्कुल भी लैग वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और सिंपल एप्लीकेशन है। अगली एप्लीकेशन है मेरी लिस्ट में स्क्रीन ट्रांसलेट। कभी अगर अपने फ़ोन में कुछ रीडिंग वगैरह कर रहे हैं या सर्फिंग करते टाइम कोई दूसरी वेबसाइट वगैरह कुछ ऐसा खुल जाता है जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से कुछ अलग होता है, समझो हमें हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या चाइनीज़ वगैरह कुछ अरबिक, कभी कभी कोई दूसरी लैंग्वेज आ गई तो हमें उसी टाइम कुछ ट्रांसलेट करना है, तो पहले उसको हम कॉपी करते हैं, फिर गूगल ट्रांसलेट पे उसको पेस्ट करके उसको ट्रांसलेट करते हैं, और इसमें कभी कभी हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। बट ये एप्लीकेशन अगर आपने अपने फ़ोन में डाल रखी है तो रियल टाइम, मतलब जैसे आप उस टाइम रीडिंग कर रहे हैं और कोई दूसरी लैंग्वेज आई, मतलब इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं और उस टाइम हिंदी आ गई और आपको हिंदी नहीं आती, तो इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को सिंपल ऐसे टैप करना है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसी टाइम आपके स्क्रीन पे ही वाला उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दिखा देगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लस जो ट्रांसलेटर आप यूज़ करना चाहते हैं, मतलब गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना चाहते हैं, माय मेमोरी ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेट यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेटर इसमें दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें कभी कभी ऐड आ जाती है तो इसका परचेज करना चाहें आप प्रोवर्जन, तो वो भी आप इसको खरीद सकते हैं। ओवरऑल ये वाला एप्लीकेशन मुझे रियल में काफ़ी हेल्पफुल लगी, आप अगर आप कुछ रीडिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं और रियल टाइम कभी कभार कुछ ट्रांसलेट वगैरह करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगली एप्लीकेशन रियल में काफ़ी यूनिक और हेल्पफुल है, ये है नोटिफाई बड़ी। ये एप्लीकेशन से आप लोग LED नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन में, मतलब अगर आपके फ़ोन में कोई LED नोटिफिकेशन वाला हार्डवेयर नहीं डला हुआ तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप स्क्रीन पे ही वो वाला फीचर इनेबल कर सकते हैं। अब मैं जैसे सैमसंग गैलेक्सी S10 यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई भी LED नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलती, तो यहाँ पे टॉप राइट पे या कहीं पर भी लोकेशन सेट करके आप नोटिफिकेशंस का एक्सेस ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बेसिकली कर क्या सकते हैं, अगर आपने अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है जैसे WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram वगैरह, और या सिस्टम एप्लीकेशन ही आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यूज़ करके जब भी आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आएगी तो अपने हिसाब से आप कलर, टाइम, इंटरवल वगैरह सेट कर सकते हैं, और आपको टॉप राइट पे ही इस साइड या लेफ्ट साइड आप एरिया वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे उस टाइम रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स दे रखे, जैसे टाइम सेट करना है या मिस कॉल की भी नोटिफिकेशन चाहिए, या आप कोई टाइम सेट करना चाहते हैं जब इसकी नोटिफिकेशन ना मिले या मिले, डिफ़ॉल्ट कलर अगर आप सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, साइज़ वगैरह। प्लस अगर आप मैं इसकी टेस्टिंग दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे इसकी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है, तो ये मुझे रियली में काफ़ी हेल्पफुल और एक यूनिक एप्लीकेशन लगी। अगली एप्लीकेशन रियली में काफ़ी कमाल की ही है, वॉकी टॉकी। तो इसमें ना मैं फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा था, तो 02.25 फ्रिक्वेंसी जैसे मैंने सेट करी तो मेरे साथ ये हुआ, सुनो। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है। हेलो, तो भी आप लोग सुन रहे होंगे कि कुछ इसमें सुनाई दे रहा है।
सो बेसिकली कोई अभी इसमें कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था, तो इसमें आप लोग फ्रिक्वेंसी सेट करके ऑटोमेटिकली मतलब टॉक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक वॉकी टॉकी टाइप का ही काम करती है। तो आप लोगों को दो डिवाइस के अंदर सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इसमें एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी होती है। जैसे मैंने 0.2.25 मतलब 0.2.25 फ्रिक्वेंसी सेट करी थी और उसका इसको ऑन करना होता है। जैसे आप ऑन करेंगे तो एक कनेक्शन दिखाएगा जीरो, तो जीरो का मतलब वो अभी कनेक्ट कर रहा होगा। तो जैसे ही 1 या 2 दिखा देगा तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस कनेक्ट होने के बाद ना आप लोग इससे इजीली चैट कर सकते हैं। तो आप इसको पुश टू टॉक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर टिक करें मतलब क्लिक करेंगे तो आप लोग जो भी बोलेंगे तो वो उस बंदे को सुनाई देगा जिसने सेम फ्रिक्वेंसी पे इसको सेट कर रखा है। प्लस आप ऐसे इस पर जो इसका बटन है इससे करके पिंग भी कर सकते हैं, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं। और ये वाली रैली में मुझे काफ़ी कमाल की लगी, बट मुझे इसका एग्जैक्टली यूज़ ये नहीं पता कि इसकी रेंज कुछ आसपास होती है या दूर तक भी चल जाता है। क्या पता इससे आप लोग दूर दूर तक बात कर सकें, बट आई थिंक कोई आसपास ही होगा तो शायद। बट मैं इसको टेस्ट करूँगा, अगर कुछ ऐसा मिलता है तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में किसी फ्यूचर की वीडियो में बता दूंगा। बट एक बार इसको जरूर ट्राई देना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। अगली एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन। दो हैं, एक है वाइल्ड लाइफ AR और एक है गोस्ट AR। गोस्ट AR एक गेमिंग एप्लीकेशन है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, ये इस टाइप में जैसे ही ऐप खोलेंगे कैमरा खुल जाएगा, तो कैमरे में बोलेगा कि एक सरफेस सेट करो, मतलब जहाँ पे इसकी जो प्लेट है बेसिकली इस गेम पे वो सेट हो जाए। तो आप लोगों को सिंपल टैप करना है और उसके बाद इसमें गेम के अंदर से कुछ फटा बड़ा बड़ा सा निकलेगा। उसके बाद ऐसे आप शूट कर करके इस गेम के अंदर कुछ खेल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, अगर किसी को मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी AR को चेक करना है कि यार कैसे वर्क करता है फ़ोन वगैरह के अंदर, प्लस गेम वगैरह भी खेलना है मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो ये वाले एप्लीकेशन रियली में कमाल किया है। अदरवाइज जो दूसरी एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये है वाइल्ड लाइफ AR। जैसे ही एप्लीकेशन आप खोलेंगे इसमें भी कैमरा खुल जाएगा, बट इसमें आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें आप लोगों को तो सबसे पहले एक प्लेन सरफेस सेट करना है। तो जैसे मैंने अभी अपना बेड सरफेस यहाँ पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, जैसे फिश, एलिफेंट, डियर, लॉयन, काओ, कैट वगैरह बहुत सारे। तो उसके बाद आप लोग इसको अगर आप मूव कराना चाहें तो यहाँ पे आप मूव करा सकते हैं। तो ये रियली में गाइस काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन है, खेलना चाहें तो आप खेल भी सकते हैं, प्लस किसी के साथ अगर आप मजाक करना चाहें तो मजाक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि AR एग्जैक्टली क्या होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे इसका साइज़ वगैरह बड़ा करना, मतलब एकदम जायंट दानव जैसे बनाना है, एकदम छोटा चींटी जैसे बनाना चाहते हैं, या थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके अटैक करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और इसमें आप फोटो क्लिक करने का भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आप उस टाइम वो एक्टिविटी करके फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी करके आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करके काफ़ी ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वाली मुझे रियली में काफ़ी अच्छी लगी। स्पॉन या डिस्पॉन करके आप एनिमल्स को लाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 6 कमाल की एप्लीकेशन, जो आप लोगों को भी रियली में काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर सही में लगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाकर इन सारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। प्लस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। और अब मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।